साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज 5 अगस्त 2024 को होने वाले क्लास सेवेंथ इंग्लिश में आने वाले वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार से प्रश्न आज पूछे गए हैं। 40 बच्चे 40 लाने के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और जितने ही बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना प्यार नहीं दिया है, तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, और हाँ, जितने भी बच्चे लाइक करेंगे उन सभी के लिए मैं अपने दिल से दुआ करूंगा कि उन सभी का 40 बट्टे 40 आए। तो जितने भी बच्चे 40 बट्टे 40 लाना चाहते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए। दे रखा है पहला प्रश्न, हु वाज एटीला, एटीला कौन था? ऑप्शन दे रखा है काव, डॉग, बॉय, गर्ल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉग। यह एक पपी था, तो राइट आंसर बी होगा। द साउंड ऑफ द डॉग इज, डॉग का साउंड कैसा होता है? बार्क, नाई, क्रीप, रॉर। तो राइट आंसर होगा ए, बार्क, भौंकना होता है। अटीला हैज आई, अटीला की आंखें कैसी थी? ब्लू, वाइट, रेड, ब्लैक। तो मैंने पहले ही करवा दिया इसका आंसर, राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, रेड। द पपी वाज नेम्ड, उस पपी का नाम क्या था? सीजर, टाइगर, टॉमी, अटीला। द राइट आंसर इज डी, अटीला, अटीला नाम था। द डॉग वाज मंथ्स ओल्ड, डॉग कितने महीने का था? 1 month, 2 month, 3 month, 4 month। द राइट आंसर होगा कपल ऑफ मंथ्स, यानी 2 months का था। हु सेड ही फेड्स लाइक एन एलिफेंट, कौन कहता है कि वो हाथी की तरह खाता है? फादर, मदर, समबडी, सिस्टर। राइट आंसर बी होगा, मदर, मदर कहती है। द ओनली सपोर्टर ऑफ अटीला इज द हाउस वाज, एकमात्र अटीला का सपोर्टर इस घर में कौन था? मदर, फादर, यंगेस्ट सन, सिस्टर। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, यंगेस्ट सन, ठीक है। चलिए, हु वाज रंगा, रंगा कौन था? ए गैंगकुली, अ ब्रगलर, बोथ ए एंड बी, या अटीला। तो राइट आंसर सी होगा, बोथ एंड बी, वो गैंगकुली भी था और एक ब्रगलर भी था। व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ए फ्रेंड, फ्रेंड होने के लिए क्या नहीं चाहिए? गुड टेम्पर, विश टू हेल्प, लॉट ऑफ मनी, विश टू गेट अलोंग समवन। राइट आंसर सी होगा, यहाँ पे लॉट ऑफ मनी, बहुत अधिक पैसे होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है किसी का दोस्त बनने के लिए। राम इट्स मैंगो, हियर राम इज, यहाँ राम आम खाता है, यहाँ पर राम क्या है? प्रनाउन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, नाउन, वह एक संज्ञा है। चलिए, कितने बच्चों का 20 अभी तक आ गया? 20 में से 20 सभी का आएगा। दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल इंटर द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे, किस प्रकार के लोग हर दिन गेट से एंट्री करते थे? इसका आंसर मैंने लिख करके आपको पहले ही बता दिया है, चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इंटर द गेट एवरी डे, लाइक मिल्कमैन, ओके, उसके बाद बहुत सारे मर्चेंट्स इत्यादि, etc. हाउ ओल्ड वाज पपी वैन ही वाज ब्राउट होम, लिखेंगे द पपी वाज ओनली कपल ऑफ मंथ ईयर ओल्ड। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन टू बाय टू पपी, पपी को खरीदने का तात्कालिक कारण क्या था? तो लिखेंगे टू हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट। नेम द पीपल हु डू नॉट जॉब्स यूज द क्लूज, वन हु ब्रगलर, वन हु राइट बुक, यहाँ पे होगा ऑथर, AUTHOR, देखिए मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, ए के बाद यू लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर एच, फिर ओ आर, ऑथर। वन हु वर्क इन द फील्ड, ये होगा फार्मर, FARMER, फार्मर। वन हु ड्राइव व्हीकल्स, ये होगा ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। वन हु डांस, यहाँ होगा डांसर, DANCER, डांसर। तो पहले में होगा ऑथर, फिर फार्मर, फिर ड्राइवर, फिर डांसर, लिख लीजिएगा। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, आर वेटिंग फॉर यू, आई के साथ आर नहीं लगता है, यहाँ पे होगा वी, वी आर वेटिंग फॉर यू। ऑल ऑफ वेयर बिजी, वेयर ऑफ देम बिजी या देयर बिजी, ऑल ऑफ देम बिजी, TH EM, देम बिजी। चलिए, तो ये था, गुड लक आप सभी को, आप सभी के लिए थैंक यू बच्चा वीडियो को देखने के लिए।